हरा श्री अहमदाबाद के शोध संस्थान द्वारा यह साबित हो चुका है कि कार्टन ये सूती कपड़े का उत्पादन करने वाली कंपनियों की मशीनों में धागा टूटने से बचने हेतु मशीनों की साइडों में चर्बी बहुत बड़ी मात्रा में लगाई जाती है। मुनिश्री भगवान के प्रक्षाल जिनवाणी का अचार मुनियों के आहार में अभिषेक पूजन आदि में उपयोग किए जाने वाले सूती वस्त्र का उपयोग होता है। ऐसी स्थिति में वे वस्त्र शुद्ध कैसे कहे जा सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन दें। पहली बात, इस संबंध में हमें जानकारी नहीं है। दूसरी बात है, अपने आचार्य श्री ने हथकरघा खोल दिए ने, काय को झगड़े कंटे में पड़ रहे। हथकरघा का उपयोग करो, ना चमड़ी है, ना हड्डी है, ना मांस है। कंपनी का बिल्कुल कंपनी का माल, कोई शाक मांसाहार नहीं, कोई हिंसा नहीं। हथकरघा के छन्ने लो, हथकरघा के कपड़े लो, हथकरघा की टावर लो, सब हथकरघा से बन रहे हैं। तो काय को इस चक्कर में पड़ रहे हो। मैं तो कहता हूँ, हर नगर वाला अपने अपने गाँव में आप लोग खुद हथकरघा पहनो, जिन वस्त्रों में संदेह है उनको इस प्रकार से ले लो। तो मंदिरों में तो सबसे कम ये कपड़े रहना चाहिए। प्रक्षाल आदि के लिए हथकरघा के कपड़े उपयोग करो, खादी के कपड़े उपयोग करो, इसी में सार है। बाकी दुनिया को तो तुम रोक नहीं सकोगे। दुनिया तो प्रोडक्शन पर है, चाहे मांस लगाना पड़े, चाहे चर्बी लगाना पड़े, चाहे चमड़ी लगाना पड़े, उनको तो प्रोडक्शन बढ़ाना है और अपनी बचत करना है। जितना बचाएंगे कुछ नहीं रोक सके। यदि आविष्कार हो गया है तो कोई मानने वाला नहीं। जैनी के मिलों में नहीं मिलेगा सो भी बात नहीं, वो सब करने को तैयार हैं। बस अब एक ही बात रही, अभी हथकरघा सुरक्षित है।